अल्फाबेट्स में से कुछ जो निकल जाते हैं वो कौन होते हैं? वोवल्स। वो वोवल्स होते कितने हैं? हमारे फिंगर्स कितनी होती है? 5। तो वोवल्स भी कितने होंगे? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब 5 के होते हैं हमारे वोवल। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो इन 5 वोवल्स में से जो बाकी के रिमेनिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे कि बी, बी, एफ, जी, एच, एक्सेट्रा। बाकी भी होते हैं बट मैं बाकी लिखने बैठी तो पीडियो वॉट हो चले, ठीक है। तो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब ये मैंने आपको क्यों बताए हैं वोवल्स कितने होते हैं? इसलिए बताए हैं क्योंकि जो वोवल्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन। और जो वोवल नहीं होते हैं उनके साथ क्या लगता है? सिर्फ ए। जो वोवल नहीं है उसको हम एन नहीं देंगे और जो वोवल है उसको हम ए एन दोनों, ठीक है। अब कुछ ले लेते हैं हम एग्जाम्पल्स, ओके। Like dash apple, dash apple, apple के अंदर साउंड किसका आ रहा है? ए का साउंड भी क्या होता है? ए। हम क्या देंगे इसको? एन। क्यों देंगे? ए वोवल है और ए का साउंड भी आ रहा है एन, तो हम क्या देंगे? एन। dash orange, ओ, ओ का साउंड क्या होता है? ओ, और ओ में आ गया orange, तो एन, ठीक है, clear? वोवल देखना, आगे वाला वोवल है तो हम एन लगाएंगे, अगर नहीं है तो ए लगाएंगे। वोवल डैश बॉक्स, बी वोवल है नहीं, ए डैश कैट, सी वोवल है नहीं, सिर्फ ए नहीं है, ए एकदम वोवल नहीं, ठीक है। डैश पेन, पी वोवल है नहीं है, चलो ए, ए ठीक है। सो ये है आप लोगों को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी।